सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप सब जानते हैं इस बार जेई मेन्स की 2020 में एक नया पेपर ऐड हुआ, डेट इज़ बी प्लानिंग। तो काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन है बी प्लानिंग के बारे में। तो बी प्लानिंग क्या होता है, बी प्लानिंग के स्कोप क्या होते हैं, इस बारे में तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। पर बी प्लानिंग का पैटर्न क्या है और बी प्लानिंग के लिए क्राइटेरिया क्या क्या है, इस बारे में बात करते हैं। तो जो नया पेपर ऐड हुआ एनटीए की तरफ से, वो है बी प्लानिंग के लिए। अब उसमें क्या होगा, उसमें जो पेपर होगा उसमें 25 क्वेश्चन होंगे आपके। ये मैं मैथ्स पोर्शन की बात कर रहा हूँ, जो मैथ्स पोर्शन है मैथ्स में आपके 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू वाले होंगे और 5 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल वाले होंगे। जैसे कि बी जो बीटेक वाले क्वेश्चन हैं, जो बीटेक वाला पेपर है उसमें जो चेंजेस करे गए हैं सेम टू सेम वैसे चेंजेस हैं मैथ वाले पोर्शन में। 25 क्वेश्चन आपके होंगे और इसमें से 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू वाले होंगे, 5 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल वाले होंगे। अब इसमें जो क्राइटेरिया है वो एकदम अलग है। जैसे आपसे जाना है जेई मेन्स के लिए अब तक 75% चाहिए होता था, पर बी प्लानिंग के लिए ऐसा नहीं है। बी प्लानिंग के लिए आपको 75 की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 50% चाहिए, एग्रीगेट 50% होना चाहिए आपका। और मैथ्स में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि मैथ्स में आपके अगर आपके मैथ्स में 50 मार्क्स हैं 100 में से 50 मार्क्स अगर आपके हैं, यानी कि 50% अगर आपकी मैथ्स में बैठ रही है, तो आप आराम से बी प्लानिंग के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो क्राइटेरिया काफ़ी आपका देखा जाए तो कम है एज़ कम्पेयर टू 75%। तो इसमें जो कैंडिडेट्स हैं, एक और बेनिफिट ये है कि इसमें आर्ट्स कॉमर्स और साइंस वाले भी, साइंस तो दे ही सकते हैं पर आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। पर लेकिन मेन चीज़ क्या है, मेन कंडीशन ये है कि आपके पास जो है मैथ्स होनी चाहिए। मैथ सब्जेक्ट अगर आपके पास है, चाहे वो आप आर्ट्स से हों या आप कॉमर्स से हों, तो आप इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। अब जो एम्टीट्यूड टेस्ट होगा उसमें क्या होगा, उसमें आपके 50 क्वेश्चंस होंगे जो कि एमसीक्यूज होंगे, और जो प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो आपके 25 होंगे एमसीक्यूज। ये आपके जो डिवाइडेड है उस बारे में आपको बता रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे डिवाइडेड है। आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 25 क्वेश्चन आपके प्लानिंग बेस्ड होंगे और 50 क्वेश्चन आपके एम्टीट्यूड वाले होंगे। तो एम्टीट्यूड वाले क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज हैं, प्लानिंग वाले भी आपके एमसीक्यूज ही हैं, पर जो आपके मैथ्स पोर्शन है उसमें क्या चेंजेस है, उसमें आपके 20 क्वेश्चन तो आपके एमसीक्यू होंगे पर 5 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल वाले वैल्यू वाले क्वेश्चन होंगे। तो ये आपके चेंजेस है जो पैटर्न में है। और अगर कोई क्वारी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे कॉली फॉर पर कॉल भी कर सकते हैं। कॉली फॉर आप प्लेस डाउन करेंगे तो आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, मेरी आईडी है webgirlclasses@cm4। तो आप कॉली फॉर मेरी आईडी सर्च करेंगे आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, वहाँ से आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई। कोई भी नया अपडेट आता है, कोई नया नोटिस, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे। थैंक यू।